हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से स्पार्क्स एडमिशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है और कहां पे कितनी वैकेंसी खाली है कैसे देखेंगे, ये वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nimionlineadmission.in पर आ जाना है, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट लिंक में दे दिया जाएगा। और आपको यहाँ पर आएंगे तो जब आप देखेंगे यहाँ पर लिंक फॉर फाइनल स्पॉट रजिस्ट्रेशन, तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे वैकेंसी देखेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहेगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं ऑलरेडी ट्रांसफ़र कैसे करना है ये बता चुका हूँ। ट्रांसफ़र वाले सिर्फ एक पार्टिसिपेट करेंगे एक कॉलेज में, जहाँ पर उनकी सीटें खाली होंगी। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना कैसे करना है स्पॉट काउंसलिंग के लिए, तो इसमें फाइनल स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर और कैप्चा मांगेगा, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। या एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि सिलेक्ट योर चॉइस स्पॉट एडमिट पे काउंसलिंग फीस। यदि आपने अभी तक काउंसलिंग फीस जमा नहीं किया हुआ है 1000 रुपये, तो ये आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप पहले दे चुके हैं तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना होगा। सबसे पहले चलिए अब लॉगिन कर लेते हैं। मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ दोस्त। फिर देखिए, आपको यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद कैप्चा लॉगिन कर लेंगे। एक खास बात और, जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके लिए ओटीपी अभी तक नहीं आ रहा है, तो ओटीपी के लिए आपको वेट करना होगा। ओटीपी जब भी आएगा फिर से लॉगिन करेंगे तो आपको ओटीपी दिखाई देगा कि ओटीपी फिल करिए। ओटीपी फिल करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो देखिए, ये स्पॉट काउंसलिंग के लिए मैं लॉगिन कर दिया हूँ। और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे फर्स्ट 5 चॉइस विल बी टेकन फॉर अलॉटमेंट, यानी कि आपको 5 ही सेलेक्ट करने हैं आपको अपने ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे रामदेव कुमावत जी ने मुझे दिया हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये मुझे दिए अपनी आईडी, बिलीव करके कि मैं इनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पब्लिक नहीं करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए थे, अब इनको क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, 5 कॉलेज चूज करना। यहाँ पे देखिए, आपको 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। 5ों कॉलेज चेक करने के बाद वहीं पे आपको वैकेंट सीट दिखाएगा कि कॉलेज में सीट कितनी है और आपकी रैंकिंग कितना है। तो कॉलेज में जितनी सीट होगी उससे कम रैंकिंग आपको दिखाएगा तो वहाँ मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो कॉलेज वही दिखाएगा आपको जहाँ पर आपकी ट्रेडें चल रही हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो रैंकिंग आपका कम दिखाएगा वहीं आप कॉलेज चूज करिएगा। अगर सीट मान लीजिए 10 दिखा रहा है और आपका जो चॉइस है यानी कि रैंकिंग दिखा रहा है 5, तो आपको मिलने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 5 सीटें हैं और 5 लोग आपसे ऐसे हैं जो आपसे अधिक नंबर वाले भरे हुए हैं, आपसे अधिक मेरिट है उनका, इस वजह से 5 आपका रैंक दिखा रहा है। यदि उस कॉलेज में आपसे 5 रैंकिंग के अधिक लोग वाले भर दे रहे हैं तो उनको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये है नंबर, आप जितना अधिक पाए होंगे उसी के हिसाब से एडमिशन भी मिलेगा। जिसकी रैंकिंग ज़्यादा होगी, जिसकी नंबर ज़्यादा होंगे IECT मार्क यानी कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जितने मार्क होंगे, जितना अधिक होगा उनको सबसे पहले कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे इनके आईडी में ये ऑलरेडी फाइनल सबमिट कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे कॉलेज चूज नहीं आ रहा है। आप ये डैशबोर्ड खोलेंगे तो आपको 5 कॉलेज चूज करने का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फिफ्थ चॉइस। एक चीज़ और ध्यान देना है, फर्स्ट चॉइस चूज करते समय ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको नज़दीकी कॉलेज चूज करना है, जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा तो ले लेना है, ट्रांसफ़र की जरूरत ना पड़े ऐसे कॉलेज को चूज करिएगा। क्योंकि यदि फर्स्ट चॉइस आपको कॉलेज मिल जा रहा है तो उसके बाद आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इसके बाद एक बार और ट्रांसफ़र की डेट आए, सभी लोग सुन लीजिए, हो सकता है, मैंने बोला क्योंकि फाइनल एडमिशन ये है, उसके बाद अभी तुरंत फिर ट्रांसफ़र आएगा, जैसे ही स्पॉट एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं आएगा, तो इसके बाद आपके पास एक और मौका होगा। तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, इतना ही। और कोई बातें रह जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी बात दिक्कत हो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं जो आपको कहीं ना कोई रिप्लाई दे देगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।